वो भाई तुम नहीं, तुम मेरा कभी भाई नहीं हो सकता, नहीं। हेलो अगर हमने जीता है तुम वाल को किस करोगे? बॉल को? जी वाल को। तीन बोलो ये देखो मेरी उंगली भी जख्मी है। हेलो ऐसा रगत चीटक लाइफ में मत दिखाओ, ये लिए कटा हुआ हाथ चीटक में मत दिखाओ, इट्स नॉट गुड। मैं ना असल में गिर गई अल्लाह की चलो अगर मैंने हारा तो मैं वाल पे किस करूंगा, अगर तुमने हारा तो तुमने वाल में किस करना पड़ेगा। तीन बोलो और दो कौन सी? हेलो तुम रियल में क्यों नहीं मुझे मौका देता? रियल में मुझे चांस दो। क्या रियल में किस करोगी? कौन बता? क्या मतलब कहना क्या चाहती हो? मेरा शादी हो चुका भाई। तो शादी तो हो चुका है, देखो शादी के साथ साथ बंदा गर्लफ्रेंड भी रख सकता है। इधर ऐसा ना होता भाई, इधर ऐसा ना होता। हेलो अगर मतलब अगर मैं दूसरी लड़की से मतलब ऐसा संबंध बना लूं कि किस चुप्पा से पकड़ूं, मेरी बीवी मेरे को नंगा करके मारेगी भाई। मारने के लिए मेरा दिमाग तो मतलब कुछ ही ज्यादा चल रहा था भाई। प्यारी समझ दूसरी परी, तुमको हेलीकॉप्टर बनना है। ओके ठीक है। तीसरी तुमको पुशअप करना है। पुशअप? ये कल कसम खुदा गिरी हूँ मैं, ये वाली चोट लगी और ये गिरी है, उंगली मेरे गिरी है। हेलो ऐसे गिरी हूँ तो ये हाथ से गिरी हूँ, पुशअप नहीं होंगे। तुम चूज करो ना यार। फेस ब्लैक कर लूंगी, पाउडर डाल लूंगी। हेलो सारा तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर मर जाना मेरे लिए प्लीज। प्लीज मेरे लिए मर जाओ यार। अगर मेरे को प्यार करती हो, अगर मेरे लिए मर सकती हो तो प्लीज मर जाना प्लीज। मैं तो मर गई कब से तुम पर, ये तो ऐसे बॉडी चल रही है। प्लीज मेरे लिए मर जाओ भाई। बात सुनिए, ये बॉडी चल रही है, मर मैं गई। मेरे लिए मर जाओ भाई। तुम्हारे लिए मर गई ऑलरेडी। हेलो ओके चलो पुशअप चेंज कर दो, बाकी उन दो हेलीकॉप्टर भी ठीक है। एक और बता दो करंट मार रहा है सब कुछ। हेलो मेरे महबूब ऑलरेडी डबल टैप गाइस एवरीबॉडी गाइस डबल टैप। हेलो हाँ मैंने ही सुना था। इधर से कैसे वो करते हैं? कौन जीता मेरे को? कौन जीता भाई? Hello. कोई भी हमको नहीं जीत सकता। ओके देखो मैं रोबन से प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा। ए पागल औरत, क्या मजाक बना रही है प्यार को यार। सैनिक प्यार भी मजाक होता है, दिल के साथ खिलवाड़ है क्या? ए यार हमको मरवाओगी के? नहीं हेलो हम मर गए, हम तो पहले से मर गए। ससुरा हमको ससुरा बीवी के हाथ से मरवाओगी के? हाँ जी बीवी नंबर वन है, मुश्किल नहीं। हेलो क्या यार सब लोग का एक एक फ्लावर, एक कितना कितना इस का टारगेट है बताओ? 18 हाँ 18 मतलब क्या कह रहे हो? हेलो स्कोर कितना लेना पड़ेगा पनिशमेंट के लिए? 5 गाइस प्लीज गाइस 5 के अभी आने वाला है, लेट्स गो गाइस 5 के प्लीज फोकस लेट्स गो गाइस प्लीज गाइस 5 के लेट्स गो 5 के गाइस 5 के कम ऑन चेक पसंद एति गते बूस्टिंग युज नगरो के गाइस कति बेला बूस्टिंग नगरो कति गाह्रो हुन्छ यार।
हेलो है थैंक यू सो मच गाइस बुस्टिंग नमा बेला कस्तो सारो हुन्छ गाइस बुस्टिंग भएको बेला थाले 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 के हो गाइस बुस्टिंग फालेपछि कम सकम स्कोर नै फालोस् लु स्कोर बनाम गाइस एलाई दिनु पर्छ पनिशमेन्ट पनिशमेन्ट ये मुझे कहता तू मर जा कौन बता ये मुझे मारना चाहता है सही बोला तुम्हारा इश्कर कितने गया वेरी वेरी स्मॉल हेलो ए ईमान वेरी वेरी स्मॉल लड़की और कितने गया इसको हो और तुझसे इसको कितने गया जी हाँ जी हेलो क्या बीक क्या कर रही है ये क्या बदतमीज कर रही हो नहीं मैं ऐसे मेरा मुंह में जैसे मर्जी करूं प्रेम सागर वेलकम बैक हजुर प्रेम सागर जी प्रेम सागर नया नेपाल आई अब करोगी पनिशमेंट हेलो तुमको पनिशमेंट करने के लिए शौक था ना वो शौक हम पूरा करेंगे मेरे तो बहुत सारी शौक हेलो क्या शौक है और भी है और भी मेरे बहुत सारे शौक हैं बताओ ना मतलब पूछना जरूरी है थैंक यू मैंगजियर मगर थैंक यू मिगजियान थैंक यू गाइस दुईटा बुस्टिंग पर्छ सम्हाल राख्नु सँग बहिनी बिस्टिंग मिगजियान बुस्टिंग सम्हाल राख ल चलो पहले पनिशमेंट होगा तुमको वॉल पे किस करना है ओके 10 टाइम्स हेलो दूसरी क्या था हेलीकॉप्टर हाँ जी हेलीकॉप्टर तुमको बनना है सिर्फ 7 बार हमारे पास ज्यादा स्कोर नहीं है इसलिए 7 बार तुमको हेलीकॉप्टर बनना है ओके तीसरी में हेलो तुम पुशअप नहीं कर सकती मुझे एक पुश भी नहीं होगा मेरे से पुश सीख के आ जाओ ना एक पुश भी नहीं हो सकता मेरे से सीखो ना यार जिंदगी में मतलब माँ के पेट से कौन पैदा होता बोला ना ये मेरा हाथ जख्मी है कसम से हेलो मैं तीसरा क्या दू कि मतलब देखो देखो पता क्या है रोबन पनिशमेंट करने में मुझे हर्ज नहीं है वाला मैं शुरू से कभी मतलब उस तरह नहीं था लेकिन मुस्लिम है ना तो वो सब लोग एतराज करते थोड़ा थोड़ा हाँ जी वो तो पता है हाँ बस वो पुशअप में भी फिर वो पूरा बॉडी नजर आता है या उस तरह करके वो हो जाता है ना तो बॉडी को मैं चाहती हूँ कि बॉडी सिर्फ एक बॉडी के लिए होती है ना हेलो तो फिर मैं क्या दूं एक बार चलो वाल किस करो ना कुछ ना होता यार क्या दिक्कत है हेलीकॉप्टर बनती ओके चलो हेलो नॉन स्टॉप घूमना पड़ेगा तुमको नॉन स्टॉप ओके 7 बार मेरे लिए 10 बार घूमो ना हेलो नहीं 10 बार मुझे चक्कर आ जाएंगे जितना बोला बस उतना ही वो तुम्हारा से ढाई कपड़ा क्यों स्कोर है कपड़ा क्यों खोल रहे हो थोड़ा तो कपड़ा क्यों खोल रहे हो हेलो कपड़ा खोल नहीं पहन रही हूँ ओ माय गॉड यार क्या मतलब तुम्हें बहुत हॉट लग रही हो हेलो हॉट लगती मेनू बस तुम्हारा बाल अच्छा है जी हाँ मेरे बाल बहुत लंबे लंबे बाल हैं ओके हेलो अब मेरा बाजू इसको लगेगा वन अभी फास्ट थोड़ा सा फास्ट करो भाई पकड़ आ जाएगा मुझे ज्यादा ओके वही तो हम चाहते हेलो तुम्हारे तुमने कितने चक्कर दिए लोगों को ए चार मैंने किसको चक्कर मेरा बीवी को तो अब तक चक्कर नहीं आता हेलो यार चार बार घूमने से मतलब क्या तुम तो प्रेग्नेंट लड़की से भी ज्यादा बदतर बदतर मतलब कमजोर हो गई अभी तो मैंने प्रेग्नेंट होना है किससे वो तो बताऊंगी मैं हमसे मत बनो भाई मारो
साजू हो चुका। देखो तुमने तुमने पहले शादी की, हमारे हम मुस्लिम में ना चार शादी अलाउ है। ओके चार शादी हेलो चार शादी तो दो दो हम हो जाएंगे ना, तो दो और लेके आऊंगी मैं प्यारी प्यारी। तुम्हारे लेफ्ट एंड राइट पे ना ऐसे प्यारी प्यारी लड़कियां होंगी। क्या बोल रहे हो? हाँ चार मरवाओ के चार चार प्यारी प्यारी लड़कियां। अरे यार मतलब एक ही बीवी से मेरे को कभी कभी आत्महत्या करने का मन करता है, मतलब चार लड़की में कैसे पालू। मैं तुम्हें बताती हूँ चार लड़की होगी ना तो हर कोई तुम्हें ज्यादा प्यार करेगी, यू नो व्हाई। ज्यादा प्यार मतलब वो तो मेरे को लूस के खाएगी या मतलब थोड़ी होता है सर। चार चार बीवी रख के कौन बसता है भाई? कौन कौन सकता है? मैं नहीं सकता, हमसे नहीं होता भाई। एक ही बीवी से मैं कभी कभी मतलब दिमाग खराब होता मेरे को। मैं चार मेरी बात सुनो, वो भी तुम्हारा केयर करना लग जाएगी। वो क्यों? वो चाहेगी कि रोबन मेरे पास रहे, मैं चाहूंगी मेरे पास रहे, वो कहेगी मेरे पास रहे। इस चक्कर में तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया हर हर बीवी अपना अपना खाना बनाएगी, प्यार ज्यादा करेगी। इमेजिन कर कितनी मौज है, कितना मजा। क्या मौज मतलब क्या मौज? मौसने मतलब इतना चार बीबी हो जाएंगे ना, मतलब मेरे को लगता है कि मतलब पहले मैं पहले मतलब वो मतलब रेड बुल खाना पड़ेगा। हाँ, मेरी बात सुन, हर बार एक एक रेड बुल खाता रहना अच्छा है ना। क्यों, उससे क्या होता भाई? रेड बुल खाने से बंदा को पर लग जाते हैं ऊपर। यार मरवा के वो जो रेड बुल की कमर्शियल आती है ना, उड़ जाता है। ओके हमसे नहीं होता भाई। मैं अपने हाथ से रेड बुल पिलाऊंगी, अपने हाथ से ऐसे करके। गज 18 प्लीज। ए यार क्या क्या बदतमीजी। गाइस डबल टाइम थैंक यू One on fire, everybody guys. Hello, immeasurable guys. Focus again, please. Guys, 11 winners, guys. Please. The 11 winning streak and we have double guys. Double is open soon guys. Double is opening soon. And guys, this is the punishment game guys. Let's go guys. Focus again please. यार चार लड़कियां शादी करने के बोलती है मेरे को मरवाओगी के? छोटा छोटा उम्र में मेरे को मरवाओगी? एक भी नहीं मारेगा तू, कोई भी नहीं। कोई मत है? ऐसा लगेगा तुम्हें कि तुम एक तो नर्क होता है, दूसरा क्या होता है? स्वर्ग 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 में चला जाएगा। स्वर्ग में हेवन फील करेगा। दिमाग है वो मतलब शुरू शुरू में हेवन होता है, बाद में नरक ही होता है भाई। मेरी बात सुन, मैंने तुम्हें ना बहुत अच्छा आइडिया बताया। ये सब पाकिस्तान में ऐसे होता है और बाकी जितने मुस्लिम कंट्री में, अगर उसने चार चार शादी किया हो ना तो चारों बीवी इतना ख्याल करती, इतना ख्याल करती कि मेरा बन के रहे। मार हमर नेपाल में ऐसे नहीं होता यार। जन्नत हमर नेपाल में ऐसे नहीं होता भाई। कोई बात नहीं, तुम ट्रेंड चलाओ, ट्रेंड चलाओ। हम सिर्फ एक ही बीवी से तंग खाते कभी कभी। चार बीवी लेके मैं क्या करूं मैं? खटमंडू अब मालूम नहीं रोबन किधर रहता है। मैं खटमंडू आ रही हूँ, वहाँ पे शादी है। खटमंडू ना होता भाई। क्या खटमंडू? खटमंडू काठमंडू बोलो। आश्मी ब्रो वेलकम बैक, आश्मी ब्रो वेलकम बैक। हेलो ओके काठमंडू राइट? नो या काठमंडू केटीएम, शॉर्टकट नेम इज केटीएम। ओके केटीएम लेकिन मैं काठमंडू में नहीं रहता, मैं रहता हूँ पोखरा में। पोखरा कुहरा बोल रहे हो? नो कुहरा पोखरा। अच्छा वो जब जाऊंगी तो मैं पढ़ लूंगी। ओके तुम ऐसा करना, एक पाकिस्तान लड़की ने पीक कर एक एक पाकिस्तान लड़की ने मेरे को बोला, क्या बोला पता है? पोखरा को बोला उसने मतलब पकौड़ा। पहले बता तुम कब आ रही हो? मैं सितंबर में। सच में? सितंबर का बताया था वेरी बिगनिंग जब हम लोग खेलने शुरू हुए थे, मैंने बोला एक उधर शादी होगी तो मैं आऊंगी। तुम्हारा शादी है? नहीं नहीं किसी की शादी है तो हम भी मना लेंगे ना।
मतलब एक खर्चा उनका हो रहा है, हम लोगों ने तो बस ड्रेस पहनना और साथ बैठ जाना है। और मैं बीबी क्या करूँ, छुट्टी कर दूँ? नहीं, उसको भी लेके आना, वो भी खाना छाना खाएंगे। हेलो, वो का है कबाब की हड्डी बनेगी? नहीं होता हमारे पास। हेलो, मैं बहुत सारी है बर्बादी। मैं टिकट सेंड करूंगी दोनों की, प्रॉमिस। टिकट कहाँ के टिकट? तुम्हारे घर से काठमांडू की। हाँ, मतलब प्लेन में नहीं चढ़ते? गेट द मनी, वेलकम बैक। गेट द मनी, रेस्पेक्ट पर्सन, वेलकम बैक। हम नेपाल के डोमेस्टिक प्लेन में नहीं चढ़ते, बहुत डर लगता भाई मेरे को। तुमने समाचार सुना, काठमांडू के एयरपोर्ट में दुर्घटना हुआ भाई? हाँ हाँ, थोड़े दिन पहले हुआ एक। यार बहुत डेंजर, बहुत रिस्क है भाई। हम ऐसा, हमारे जान बहुत प्यारा है, हमारी बीवी मेरे घर में मेरे को वेट करके बैठती रहती हमेशा, मेरा हस्बैंड कब आएगा। लोकेशन सेंड करना, मैं गाड़ी में आ जाऊंगी पंडित लेके। पंडित? तो पंडित नहीं होता, मुस्लिम मुस्लिम में पंडित होते। हेलो, तुम्हारी तरफ से पंडित होगा, मेरी तरफ से मौलवी होगा। हेलो, मैं क्रिश्चियन हूँ यार, मैं अपना मौलवी लेके आऊंगी साथ। यार कौन सी प्रकार का शादी है, मतलब मरवाओगी के यार? सुनो रोबन, जस्ट बाकी तो ठीक है, लेकिन वीडियोस वगैरह तो बना ही देंगे ना। वो तो ठीक है। हाँ, तुम्हारी इतनी फनी वीडियो होती है और इतनी जबरदस्त होती है, वो छोटी बच्ची के साथ कितनी प्यारी, माशाल्लाह बेटी है ना। तुम्हारी बेटी है वो? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी हुई ना। हेलो यार, वो मेरी बेटी नहीं है भाई, बन गई मैं मामा पहले से बन गई। थैंक यू द मनी। देखो मेरे शादी हुआ है लेकिन मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा बेटी बेटा कोई भी नहीं है। वो बच्ची छोटी कौन है? हम एक ही फ्लैट में रहे थे। अच्छा, तो तुमने अभी बच्चा पैदा नहीं किया? हेलो, मैं आ रही हूँ उधर। हेलो वुमेन, हेलो यार, मरवा दीजिए यार तुम यार। अरे यार धंधा बंद करवाओगी के? हेलो, अरे टिकटक में हमारा धंधा बंद करवाओगी के? क्या मतलब, मैं नेपाल आ रहा हूँ शादी, मतलब बच्चा पैदा करने? क्या देखो, समझा करो, जब जब तक बंदा जाए ना आए ना, आए जाए ना मिले जुले ना, कैसे? वो पड़ोसी के एक एक दीदी के सिस्टर के वो बेटी है वो तो। चलो माशाल्लाह, नाइस। वो हमारी बेटी थोड़ी है यार। हेलो, तुमने अभी तक शादी नहीं किया रेली में? शादी किया लेकिन 4 साल हो गया शादी किया, लेकिन हमने अभी तक प्लान नहीं किया जी। अच्छा अच्छा, नहीं बुरा है, बुरा हुआ हमारे पास। नहीं तो प्लान ये जब शादी होती उसके बाद तो हो जाता है। प्लान कैसे होता है? मैं मर के आता हूँ भाई। ऊपर वाले ने देना होता है, तुम लोगों ने ट्राई करना है। यार लड़की यार मरवा गई के? अबे यार कहना क्या चाहती हो, पागल औरत यार। क्या यार कहना क्या चाहती हो भाई? 9 महीने के बाद नेक्स्ट ईयर एक छोटा रोबन होना चाहिए यार। 2025 में क्या है? प्रॉमिस, हो सकता है। हेलो, तुम आके बना दो। नो 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 यार, मरवाओगी के? हेलो यार, लड़की मेरे को मरवाओगी? हेलो गाइस, कोई बंदा खेले गाइस, मैं एक रोबन को पनिशमेंट देना चाहती हूँ कि रोबन मुझे प्रपोज कर दे। गाइस डोंट प्लीज गाइस, हेलो, गेट द मनी, लेट्स गो ब्रो। My respected person, my lovely brother, get the money, bro. Are you hearing me? Thank you, brother. Guys, please use the boosting gloves. Please use the boosting gloves. Guys, use the boosting gloves. Let's go! Let's go!
pushing. Come on, guys, please focus. I go focus. He's the king. The name is Get the Money. His name is Get the Money. You are under arrest. Ganun ki kasam. Parrot, amma ki kasam. Get the money. Thank you. Immeasurable. Welcome back, bro. Thank you. Respect, bro. Punishment. Punishment. तुमको करना पड़ेगा पनिशमेंट। हेलो बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं यार देखो मेरा स्टे उधर है तकरीबन 7 days का ओनली 1 week ओके हाँ जी तो अगर नेपाल में आती हो तो तुम्हारे लिए घूमने के लिए एक जगह वो घूमना ही पड़ता है वो जगह के नाम है पोखरा जहाँ मैं रहता हूँ जितने भी विदेशी आते हैं पोखरा में ना घूम के बगैर वो जाते हैं तो बहुत फीका होता भाई वेलकम टू पोखरा ओके ओके करो फिर तो मेरे साथ 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 रहेगा अरे सेवन डेज के लिए तुम बुक है मेरे साथ बुक है हेलो ऐसा ना होता भाई मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ आत्मा कौन बोलता भाई मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ ऐसा नहीं होता भाई हमारे पास बीबी है यार वो मारेगी हूँ मेरे को अरे हमको अरे यार टिकटॉकर को तुम मतलब सिक्योरिटी गार्ड बनाओगी हेलो रोबर इधर से मैं पकड़ूंगी तुम्हें इधर से क्या नाम है नाम मालूम पकड़ पकड़ के मारूंगी क्या मेरे को मिसेस रोबन इधर से पकड़ेगी इधर से मैं तेरी मर गया कि हेलो मिसेस ईमान इधर से चलो ओके बताओ हेलो पनिशमेंट होगा गज के दी मेला में के गरम है कति बाटी के टियो के यार इधर मुंह में पानी रखो इधर मुंह में पानी रखो और बोलो कि मतलब GTM हेलो गेट द मनी बाउल में रख के नहीं मुंह में वाटर रखो और बोलो हमारे एमबीपी का नाम GTM GTM नो वी हैव 7 ऑलमोस्ट 7 के स्कोर दैट्स व्हाई वी हैव देखो चार बीमिया रखता नहीं 7 करता रहता हेलो सेवन बीमिया तीन रखना एक रखता तो बस तीन बार बोला है चार बार ना यार 7 बार करो यार ओके हेलो एक मिनट हेलो चक दुम दुम चक दुम दुम ए सुन के कुर्ती छ यार हेलो यार नेपालमा अब 7 दिन सम्म मसँग बस हुन्छ केटीले दात तेरी बलात्कार केसमा फसाउलिस मलाई सुन्न म अर्काको छोरी श्रीमतीलाई जेउ लाग्छ मलाई कस्तो केटी होली यार गेट द मनी हेलो बोलो गेट द मनी बोलो जुबा केसरी या जीटीएम बोलो मुँह में पानी रखो और ज्यादा भरा होना चाहिए मुँह में पानी भरा होना चाहिए प्लीज नो इट्स नॉट इनफ दिस इज नॉट इनफ ओके थोड़ा और पानी रखो मुँह में पानी रखो जीटीएम बोलो हेलो क्या मैं करो नहीं यार इधर देखे जीटीएम गेट द मनी क्या मतलब है क्या हेलो बहुत मुश्किल है नहीं तो गले में चला जाए सांस में चला जाएगा अगर इजी होता हम थोड़े थे हेलो चलो हम तुमसे एक बार लास्ट गेम खेलते क्योंकि मेरा सोने का टाइम होने जा रहे ओके तुम बोलता सोने के लिए जा रहा दूसरी तरफ की तरफ जाता खबरदार तूने गया दूसरी तरफ तो देखो मेरी बीवी तो सो रही है Hello. मेरा कोई दृष्टि गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं है तेरा तुम जाग रहा है तो मेरे साथ सोना तो उधर अभी सो सकता है जब तक मैं आ नहीं रही हट तेरी भैंस मेरी भैंस की क्या अरे भैंस गोबर वो तो उसका होता है उसका होता है
हेलो चलो एक चलो एक गेम गाइस मुझे लेके दे दो, मैं ये मुझे बस प्रपोज करेगा, इसकी एक ही पनिशमेंट है, अगर मैंने जीता तो तुमको हमरो एमबीबी को प्रपोज करना पड़ेगा। ओके तुम्हारी वोमन होते हुए मैं किसी और को प्रपोज कर दूं? हां जी किसी पनिशमेंट पनिशमेंट तो करना पड़ेगा भाई। हेलो तुम यार प्रॉपरली पनिशमेंट नहीं करती इसलिए मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता यार। करती हूँ क्यों नहीं, ये देखो सब कुछ तो किया मैंने, वरना ऐसा कभी नहीं किया यार, तुम्हारी खातिर मैंने कर दिया है। मेरो बुड्ढा बोलो, मेरे बुड्ढा। ओके क्या होता है मेरे बुड्ढा का मतलब? वही हेलो तो मुझे निपाली आता है। देखो मेरे मेरे बुड्ढा के फ्रेंड जो के मेरे बुड्ढा के मतलब सब जोना सब जोना सब जोना Women. तो सब जना सभी जना हाँ सभी जना या सभी जना हमारे पास राजा है, राजा इधर ओके गेट द मनी गेट द मनी ब्रदर, यू आर द किंग ओके, थैंक यू ब्रदर, रेस्पेक्ट गाइस सब गाइस प्लीज, वी हैव 3000 व्यूअर्स, प्लीज फॉलो द गेट द मनी ओके, is the very very respected person guys. Sunita ji last game please. Ek second run sake last game guys. Anybody guys please. 3000 year last game mero pani 12 bajisako 12 baje sutnu parcha guys na. Thank queen. Thank you so much. Hello. Get the money. Let's go. Garno. Sab jana tap tap. Guys, last game. Let's go. This is the punishment game guys. Let's go. Hello. The double is coming soon guys, okay? Please follow our king. His name is Get the money. Follow our king. Thank you so much. Oh my god guys, chhati wala kitle han yaar, wow 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 to chhati han kitle, hello 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 buffer bhi, hello buffer bhi, thank you so much buffer bhi, buffer bhi everybody get the- yes get the money, his name is get the money. Hey system mila denge bhai system ईमान 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 क्या कर रहे हो? थैंक यू सो मच गेट द मनी, दिस इज द लास्ट बैटल, थैंक यू बफार बी सो स्वीट यू आर, थैंक यू सो मच रेस्पेक्ट, थैंक यू गाइज प्लीज फॉलो आवर टॉप आईडी गाइज, प्लीज फॉलो आवर टॉप गिफ्टर, फॉलो आवर सपोर्टर, थैंक यू गाइज प्लीज बूस्टिंग ऑफ हुई आप, कम ऑन गाइज या 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 तेरी भैंस की हा हा तेरी छोड़ी है या या दिमाग खराब दिनी के पान पराग दिमाग खराब ये हाथ दिनी गाइस बूस्टर लगा दो नहीं है लेके दे दे मर्ज कसम से एक गेम लेके दे दे ये वाली एक कोई भी नहीं है भाई ये एक गेम कोई भी नहीं है लेके दे दो कोई छैन तिमीलाई जिताउने कोई छैन Hello, Bafarbi. Thank you so much, Bafarbi. God bless you. Thanks for support. Get the money. You are the king, bro. Thank you, queen. You are the respected person. Thank you so much, queen. Okay, guys. Punishment. Hello. Batauli bazar ne man hajar kai chaina. Everybody, guys, milke. नो मिलके अब लड़के भी कुछ नहीं होता गेम कसम से लेके दे तुम्हारा स्कोर ना बढ़ने वाला ठीक है गाइस तुम्हारा स्कोर ना बढ़ने वाला हेलो स्टेफन द स्टेफन किंग इज हियर स्टेफन किंग इज हियर गाइस कम ऑन लेट्स गो हिज नेम इज गेट द मनी अ रेस्पेक्टेड पर्सन नाम ही काफी है गाइस द नेम इज इनफ गेट द मनी वेरी वेरी पावरफुल मैन वी हैव Very, very powerful manager. मर्ज 10-12,000 का स्कोर इतना स्कोर रोजा मार देना 15,000 वाला Oh my gosh. Very, very small. Very, very small. Hello. Small. मैं ना जरूर तुमसे अपना प्रपोजल लेके जाऊंगी जरूर लेके जाऊंगी क्या मतलब तू मुझे प्रपोज करेगा जब मैं जीती देखो आज हमारा सोने का टाइम हो रहा है मैं जा रहा हूँ 12 बजने वाला है ओके इस मॉर्निंग लाइव वो प्रॉमिस बोल मैं जा रहा हूँ क्या बोल प्रॉमिस मैं जा रहा हूँ अबे जा रहा हूँ मैं मेरे व्यूअर से पूछो कि मैं हमेशा 12 बजे लाइव इन करता हूँ नेपाल में 12 बजे टाइम हुआ है बिहान का ओके
मैं जा रहा हूँ, चलो तुमको पनिशमेंट करना पड़ेगा, वॉल में जाके 15 बार किस कर दो। और दूसरी क्या, दूसरी तीसरी, तुम तुम्हारे तुम्हारे, तुम्हारे गिफ्टर को वो प्रपोज करना था ना, तुम्हारी पिछली वो तो था भाई, वहाँ तुमने पनिशमेंट बोली थी तो मैंने बोला ओके अगर तुम जीत गए तो, मैंने बोला था ये करना पड़ेगा, मैंने बोला तो फिर ऐसे ऐसे करो, इधर आई इधर लव करो और जीटीएम लिखो, चलो आई लव जीटीएम, जीटीएम ब्रो यू आर किंग ब्रो, थैंक यू सो मच मैन, क्वीन रेस्पेक्ट, इधर लिखो आई, आई हो गया, इधर लव करो, लिप्स लगाने के लिए किसने बोला, मेरी बात ये इधर से गुजर रहा था तो मैंने बोला ये ऐसे से करने लग गया, अब गुजर रहा था तो थोड़ा काम भी करता जाए ना, हेलो इधर जीटीएम लिखो, जी टी एम, जीटीएम, वाह दीदी वाह, तुम्हारा नाम बिल्कुल रोबन, आइसक्रीम तो ले लो, आइसक्रीम तो ले लो रोबन कर रहे ना, ले लो भाई, हेलो मत लो, ए हेलो हेलो, यार क्या यार मतलब यार, हेलो ये रोबन है गाइस, रियली रोबन, मैं एक और बात बताऊं गेम से हट के, मैं इतना फन पूरी अपनी कैरियर में 4 साल से लाई हूँ, तुम फर्स्ट पर्सन है जिसके साथ इतना मजे से मैं बात करती हूँ, और यू आर रियली आई रिस्पेक्ट फ्रॉम माय हार्ट रियली, और तुम्हारे अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है, ऐसा नहीं है घमंडी आदमी बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आई लाइक यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखती हूँ, अब मैंने सितंबर में नेक्स्ट मंथ में आ रही हूँ, अभी कितने दिन रहते हैं उनकी शादी, उनकी शादी है, शादी है किधर, सितंबर स्टार्ट होगा ना तो उसमें मैं ये करती हूँ, ये देखो मतलब कह रहा हूँ, सच में बात कर रही है, मतलब हमको मजाक बना रही है यार, सच में तुम नेपाल आ रही हो, हाँ काठमांडू आना है, नहीं मैं मजाक क्यों करूंगी, मैंने तो तुम्हें तुम्हें याद नहीं है, तुम गजनी हो, मैंने तुम्हें कब से कहा था मैं आऊंगी आऊंगी, तुम आओगी क्या उधर, तुमने कहा अगर तुम पोखरा में आओगी तो हम जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर तुम उधर से कितनी दूर पड़ता है, काठमांडू से पोखरा अगर गाड़ी में आओगी तो 8-9 घंटा लगेगा, प्लेन में आओगी तो सिर्फ 25 मिनट, लोकल लोकल यानी है लोकल प्लेन, मैं देश मेरे देश के बारे में क्या बताऊं यार, निर्दास देश के बारे में कोई प्लान का लेकिन भरोसा नहीं, ओके हेलो बहुत डर लगता है मेरे को किसके साथ, प्लेन के साथ, नेपाल के प्लेन के साथ बहुत डर लगता है यार, वो देखो नसीब में जब मौत होती है तब तो आ ही जाती है, टेंशन किसकी, हेलो यार नसीब में बोल के मतलब यार के तुम्हारे लिए तो मुझे मौत भी कबूल है, तो मर जाना प्लीज 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 मर जाना प्लीज, मर जा प्लीज, नो 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 नो, प्लीज मर जाना प्लीज, मेरे लिए मर जाना यार, पकौड़े में आने तो दो मैं मर जाऊंगी, पागल पकौड़ा नहीं होता पोखरा होता भाई, वही उसमें आने तो दो मरूंगी ना मैं, ऐसे ऐसे तुम खड़े होंगे ऐसे शाहरुख खान की तरह, हाँ तो मैं आते ही ऐसे 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 आऊंगी ऐसे है, फिर ऐसे सर रख के तुम मैंने मर गया, अगर तुम पोखरा में आओगी तो हमारे यहाँ से पोखरा तक सिर्फ 16 किलोमीटर का फर्क है, हम आएंगे, मैं उधर आऊंगा मिलूंगा, इतने दूर से आई हो तो हम तुमको रेस्पेक्ट करते सम्मान करते, हम आएंगे वीडियो बनाएंगे, मतलब अगर तुम काठमांडू में आएंगे तो तुमको तुमको मिलने के लिए मैं नहीं जा सकता यार, बहुत दूर है भाई काठमांडू बहुत ही दूर है, ओके अगर तुम काठमांडू में आ रही हो, काठमांडू से काठमांडू जो है ना वो क्या है कैपिटल है ओके, और इसके अलावा जो है ना जो है
दूसरा मुझे एरियाज मालूम नहीं है, क्योंकि एक कैपिटल जो थोड़ा सेफ होता है किसी भी कंट्री में, कैपिटल होता है जो ना, वो काठमांडू बहुत ही अच्छा कैपिटल है, बहुत सुंदर है, आजकल बहुत सुंदर होते जा रहे हैं। लेकिन मुराद नहीं होता, मीनिंग उसका ये नहीं होता, उसका ये मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का कैपिटल यानी मेन सिटी होता है उसका दारुल खिलाफा कैपिटल होता है, वो सेफ होता है पूरे कंट्री से। हमारे देश में वो तो सेफ है, वो तो कुछ ना होता, बहुत ही शांति प्रिय देश है हमारे देश, बहुत अच्छा देश है। लेकिन थोड़ा सा अगर तुम प्लेन में डोमेस्टिक प्लेन में जाती हो तो थोड़ा संभाल के जाइयो, क्योंकि बहुत ही बोलने में शर्म आता है यार, क्या करो यार, नेपाल का सिस्टम ही ऐसा है, बहुत ही लोग इधर अकाल में मरते, बोलना ही पड़ेगा। ओके, बहुत संभाल के आइयो। अगर काठमांडू से पोखरा आती हो तो सिर्फ 25 मिनट में तुम आओगी, वेलकम टू पोखरा, हम मिलने के लिए आएंगे। लेकिन काठमांडू तुम आओगी, पोखरा नहीं आओगी तो मैं तुमको मिलने से बहुत दूर है यार, माइंड मत करना। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बाद में क्या होता है मेरे को पता नहीं, लेकिन यार मुस्लिम क्या कर रही हो? नहीं ऐसे हटा रही हूँ ऐसे। ओके ओके इट्स ओके 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 ईमान बालों में लगाते, माथे पे लगाया है, वो बिंदी नहीं लगाते, बिंदी आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं देते आप लोग? हाँ जी, वो यहाँ पे नहीं लगाते, चावल भी लगाते हैं, चावल। ओके ईमान मैं जा रहा हूँ यार, मेरे का सुने के टाइम हो रहा है, बंदा मुझे जरूर बताना कि ये जो है ना रोबन किसी और अभी किसके साथ क्या यार, ऐसे अधिकार तो मेरी बीवी ने लगाती। हट। ओके ओके मैं जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा, बाद में खेलेंगे। ओके मैं अब सोने के टाइम हो रहा है मेरे, 12 बज रहा है यार, मैं सो जाऊंगा। ओके चलो ठीक है रोबन, मेरी बीवी को डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होता है उसको। आपका पूरा जो है सब लोगों का रिस्पेक्ट है। आज मैं मेरे लाइफ 3 दिन के लिए बैन हुआ था, अच्छा सस्पेंड हुआ था, मैं उधर गाँव गया था, आज ही मैं बिहान के 6 बजे से 1 बजे तक मैं बाइक की यात्रा में आया हूँ, यही आया हूँ, सो मैं थोड़ा थका हूँ इसलिए मैं आराम करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, मैं बाद में खुलूंगा। ओके आज के लिए मैं जाऊंगा, बाय बाय। ओके समझ गए लगा सर मैंने पनि भो केटी अचम अचम हुन्छ गाइज, केटीहरू यार हैन गाइज, साथीहरू केटीहरू के काठमाडौँ आउँछु पोखरा आउँछु भेट्न आउँछु भन्छ यार, 7 दिनसम्म मसँग बस्नु भन्छ, अब कहाँ यार, एउटा जवान केटा जवान केटी सँगै बस्दा मान्छेले के भन्छ, मेरो पनि त यार आफ्नो इज्जत छ यार, मान्छेले के भन्छ गाइज, श्रीमतीलाई मैले धोका दिने तब मुस्लिम हो यार, साडा बुढा पनि बिहार पाइन्छ भन्छ नि, म कहाँ यार सँगै बस्ने भनेपछि कुरो अर्कै भएन नि, फस्काइदिनु रे।